नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आप भारत में आपका स्वागत करती हूँ। देश दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच आया है आप भारत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। बैजनाथ कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियर एवं कर्मियों के साथ मारपीट एवं धमकी देने वाले अपराधी पुलिस की गिरफ्त में। जिला कांग्रेस कमेटी ने बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का किया आयोजन। बरवाडीह के सुदूरवर्ती क्षेत्र उकामाड़ में सीआरपीएफ के 11वीं बटालियन के द्वारा चलाया गया सिविल एक्शन कार्यक्रम। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। आगामी 2 फरवरी को दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 41वां झारखंड दिवस मनाने की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। बेगूसराय में मोहम्मद ताजुद्दीन ने अपने संस्थान में सरस्वती पूजा त्योहार मनाकर गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल पेश की। बेगूसराय में अपराधियों का खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है। शुक्रवार की शाम बेखौफ अपराधियों ने बेगूसराय जिले में एक मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत नेपाल सीमा पर मेडिकल टीम तैनात। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर कोना मोड़ के पास शुक्रवार शाम हुए एक सड़क हादसे में 2 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई। सत्यानंद भोक्ता बने श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री। कन्या विद्यालय पर पचम्बा में आज बसंत पंचमी के अवसर पर मां शारदे की पूजा अर्चना बहुत ही धूमधाम से की गई। पुलिस लाइन में चाइल्ड लाइन और बाल संरक्षण समिति के कार्यक्रम में डीएससी और पुलिस पदाधिकारियों के साथ शामिल हुए स्कूल की छात्र छात्राएं। एनआरसीसीएए के खिलाफ बेगूसराय बलिया प्रखंड में चला अधिकार पार्टी के सुप्रीम पप्पू यादव मंच संचालन करते हुए। लातेहार जिला के महुआडांड गारू बरवाडीह चंदवा बालूमाथ हेरंज बरियातु मनिका प्रखंडों में नम आंखों से दी गई मां शारदे को विदाई। विधायक ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान होगा बैजनाथ राम। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। आप हमारे यूट्यूब चैनल आरपी भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप हमारे फेसबुक पेज आरपी भारत पर भी लाइक खबरें देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, क्या आप लोग सच में न्यूज देखना चाहते हैं? मैं भी देखना चाहती हूँ झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को। लेकिन टीवी पर आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर नहीं मिलेगी। तो झारखंड से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए अभी YouTube पर जाइए और सर्च कीजिए आरपी भारत को और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिए। आरपी भारत, जहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को।